जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों? ये जो वीडियो है, ये है राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको फ्री में मोबाइल दिया जाएगा, स्मार्टफोन मिलेगा, स्क्रीन टच का फोन मिलेगा। कौन दे रहा है आपको फ्री में? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत सरकार है हमारी, वो आपको फ्री में मोबाइल देगी। अरे साहब, हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कब मिलेंगे, अब मिलने वाले हैं आपको। नोटिफिकेशन आ गया है, आपको फ्री में मोबाइल मिलेगा। अभी बटने शुरू हो जाएंगे बस। जैसे तुमने वो देखे थे ना, शिविर लगे थे, कौन से वाले शिविर? महंगाई राहत वाले शिविर लगे थे, आपको योजनाएं फ्री दी गई थी, बिजली फ्री, आपके जो मोटर वाटर जो होती है ना, ये कुएं में पानी वाणी ये जलाते हो तुम फंवारे वंवारे, तो इसमें जो बिल आता है वो फ्री, कुएं का बिल फ्री, घर का बिल फ्री, आपके भैंस गाय हैं उनके 40,000 तक का वो बीमा, गैस कनेक्शन फ्री, सारी चीजें उसमें हैं, वो फ्री दिया आपने। इसी प्रकार से अब शिविर लगाए जाएंगे मोबाइलों के लिए। उन शिविरों में आपको जाना है और मोबाइल लेके आना है, गहलोत सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तुम्हें क्या जोर आ रहा है, लोगे तुम फ्री में? मिलेंगे केवल महिलाओं को, आदमी जो हैं, पुरुष जो हैं, वो तो वैसे ही रखते हैं। अब बेचारी महिलाएं हैं, ये घर पे हैं, इनको कौन लाके दे, कौन लाए, कौन पैसे दे इनको? तो इनको गहलोत सरकार देगी फ्री में मोबाइल, वो सुनाई करेगी इन महिलाओं की, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छी योजनाएं भी चल रही हैं। और हमारी जो गहलोत सरकार है राजस्थान की, ये बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाती हैं। अब देखिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसे मिलेगा, कैसे क्या पैसे मिलेंगे, कैसे मोबाइल आपके हाथ में आएगा, फिर उस मोबाइल से क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। एकदम आसान और सरल भाषा में, अनपढ़ महिला भी यदि वीडियो देख रही है तो उसके भी समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसू रोजगार में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, और अब मैं हिंदी भाषा का यूज कम करूंगा, क्योंकि राजस्थान की महिलाएं हैं हमारी, काकी ताई माई दाई है ना, इनको हिंदी भाषा समझ में नहीं आएगी, इनको देसी भाषा समझ में आएगी, तो मैं देसी भाषा का ज्यादा प्रयोग करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 10 अगस्त ने, 10 अगस्त ने रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कैडे विंगा शिविर में, शिविर लाग जाएगा थारा 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा शिविर, और उन शिविरा में जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, सारो काम शिविर में जो बैठे उड़े बैठेगा ना, वे रजिस्ट्रेशन करने वाले जो बैठेंगे ना वहां कुर्सियों पे, वो सब कर देंगे अपने आप। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, चिंता कर बाकी कोई जरूरत नहीं है तुमको, कोई घबराने की जरूरत, सब हमारे ये कागज नहीं बने हो मारो, या कागज नहीं बने हो, अरे वो सारे सब कुछ बता देंगे। ठीक है ना, अपने आप बता देगा, अपने आप सारो काम करेगा, थारा हाथ में मोबाइल दे देगा। ठीक, कैसे मिलेगा सारी जानकारी इसमें मिलेगी आपको। आपका नाम है या नहीं, कैसे चेक करें? मान लो थारो नाम आयो या ना आयो, तो चेक क्या करा गुरुजी? चेक करवा के लिए जन सूचना पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल से चेक कर लो। जन सूचना पोर्टल से चेक ना हो पायो तो 181 पे सीधो फोन मिलाओ और सीधी बात करो, और उन्हें बोलो कि सर हमारा तो नाम ही नहीं आया है। वो अपने आप बताएंगे कि भाई किस प्रकार से तुम्हारा नाम नहीं आया है, और वो जो भी बात है वो बता देंगे तुमको। ठीक है जी, अब ये बता दो कि किन किन को मिलेंगे फोन, हमें भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिलेंगे, लड़कियों को मिलेंगे, और किसी को नहीं मिलेंगे, पुरुषों को नहीं मिलेंगे। अरे पुरुष तो वैसे ही कमा के अपने ले आते हैं पैसे, ठीक है पैसे से ले आते हैं, महिलाओं कहां से लाएं? महिलाओं को देगी गहलोत सरकार। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, राजस्थान की महिला हो, ऐसा नहीं है कि वो बाहर की कोई महिला हो वो ले, नहीं भाई, राजस्थान की महिला हो, राजस्थान की उसकी जन्म हुआ हो राजस्थान की धरती पे, तभी उसको गहलोत सरकार फ्री में मोबाइल देगी। जी बिल्कुल, और चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया है उसको मिलेगा फोन, और जो भी लड़कियां हैं
उस परिवार की जो सदस्य हैं उन लड़कियों को मिलेगा। अब लड़कियां कौन सी स्कूल में पढ़ती हूँ, कौन सी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, क्योंकि हमारी गहलोत सरकार है जो सरकारी स्कूल में लड़कियां ने छात्रवृत्ति, ड्रेस, किताब, कॉपी, सब कुछ, स्कूटी, सब कुछ फ्री देते हैं। तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगी उन्हें मिलेगी मोबाइल की सुविधा, ठीक। कौन सी कक्षा में, नौवीं से लेकर बारहवीं तक की लड़कियां, कक्षा नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, ये जो बड़ी बड़ी लड़की है ना नौवीं से बारहवीं तक, इन लड़कियों को मिलेगा मोबाइल फोन, ठीक है जी, बिल्कुल। और जो भी सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हैं उनको मिल जाएगा, और जो भी सरकारी आईटीआई में पढ़ रही हैं उन्हें मिल जाएगा, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रही हैं उन्हें मिल जाएगा उनकी लड़कियों को, ठीक जी, बिल्कुल साहब। क्या लेके जाए भाई, स्कूल का आईडी कार्ड ले जाओ, एनरोलमेंट नंबर लेके जाओ, ताकि भी देख सके कि हाँ ये जो बच्ची है ये सरकारी स्कूल में पढ़ती है, विश्वास हो सके उनको, ठीक है ना। तो प्रूफ तो लेकर जाना ही पड़ेगा आपको, ऐसा थोड़ी है भाई प्राइवेट में पढ़ रही है वैसे चली जाए फोन लेने तो नहीं मिलेगा, सरकारी में पढ़नी है आपको, पढ़ाई भी सरकारी में कर रही हो तो जरूर मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज का आईडी कार्ड ले जाओ, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, जो भी कॉलेज है उसका अपना आईडी कार्ड ले जाओ और एनरोलमेंट नंबर लेकर जाओ, मास्टर अपने आप दे देगा, एनरोलमेंट नंबर की वो कॉपी मांग लो, वो अपने आप दे देगा, ठीक है। और जो भी विधवा महिला है जो पेंशन लेती है उसका पीपीओ नंबर और अपना आधार कार्ड लेकर जाए भाई, जो विधवा महिला है तो अपने गहलोत सरकार जो राजस्थान सरकार है ये विधवा महिलाओं ने पेंशन दे रही है, ठीक है ना, पेंशन दे रही है एकल नारी, तो पेंशन का पीपीओ नंबर लेके जाओ और आधार कार्ड लेके जाओ, ठीक, उन्हें भी मोबाइल मिल जाओगे। और जो महिला नरेगा में काम कर चुकी 100 दिन पूरा पट जॉब कार्ड में 100 दिन लिखे हुए कि भाई 100 दिन काम पूरा कर दी नरेगा का काम, बड्डा खोद बो, जोड़ा में काम कर बो, पाड़ में पाड़ बना बो, ये काम है ना, रोड राड़ा पे काम कर बो, नरेगा के तहत काम कर बो, नरेगा में काम करी उड़ी महिला, उनने 100 दिन को पूरो काम मिलो और काम भी बढ़ा दी, अब तो सरकार 100 दिन की बजाय 125 दिन को काम देगी, अब सरकार 125 दिन को, पहले 100 दिन को अब 125 दिन होगा। तो जो भी महिला 100 दिन काम पूरो करी उन्हें मोबाइल मिलेगा, जॉब कार्ड लेके जाए। और जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी एमए 50 दिन पूरा करो, जो भी महिला 50 दिन को काम पूरा होगो उन्हें भी मोबाइल फोन मिल जाओगे, ठीक सब। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के मानना पतो, अरे थान के पतो, शहराम रोड बनबो, पुलिया बनबो, ये काम होबो, नाली वगैरह बनबो, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के योजना ये अपनी राजस्थान सरकार चला रखी, एमए 50 दिन काम पूरा कर ली जो भी महिला उन्हें फोन मिलेगो, सीधी बात, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो कौन देगा ये मोबाइल, गहलोत सरकार, ठीक है। वेबसाइट क्या है, अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ी लिखी महिला है वो ये देखना चाहे तो MDSY या वेबसाइट को नाम MDSY मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, इस पर जाओ और चेक कर लो। और इस फोन में तुम्हें क्या क्या सुविधा मिलेंगी इसका पता है क्या, अरे फोन में तुमको बहुत सारी सुविधा मिलेंगी, ये जो फोन मिलेगा ना तुमको, ये देखो इस फोन में आपके जो पैसे हैं वो नहीं लग रहे हैं, फ्री में मिल रहा है, 6125 रुपए वाला फोन है, इंटरनेट भी तुम्हें फ्री में मिलेगा, जो आप गूगल चलाते हो ना, गूगल चलाते हो, ये सब फ्री में मिलेगा भाई। महिलाओं ने फोन ही जब फ्री में देगी सरकार तो फिर रिचार्ज का पैसा कौन देगो, सरकार ही तो देगी, गहलोत सरकार आपको रिचार्ज का भी पैसा देगी, रिचार्ज भी फ्री में होगो थारो, है ना, 675 रुपया को। और ये जो पैसा, ये पैसा ई वॉलेट में आवेगा,
कैसे आएंगे पैसे? ई वॉलेट में। ई वॉलेट हम तो नहीं जानते साहब। अरे तुमको क्या है जानकर, क्या करना है तुमको? तुम्हारे जो जन आधार है उसमें पैसे आएंगे और फिर उसमें वो बना देंगे अपने आप। तुम्हारा काम है कैंप में जाना, अपने कागजात ले जाना और मोबाइल लेकर के आना, हाथों हाथ मिलेगा, हाथ में मिलेगा, ठीक है? और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? सब कुछ अपने आप करेंगे, कैंप में जो बैठे हैं ना वो सारा आप करेंगे सब कुछ। आपका जो है आधार कार्ड वगैरह, जन आधार कार्ड वगैरह है ये लेकर जाना है, फिर इसका क्या करेंगे, वो EKYC करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, खुद ही अपने आप ही पैसे ट्रांसफर कर लेंगे और आपको मोबाइल दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप करेंगे वो सारा काम, ठीक है? कैंप में आपका सब कुछ बना दिया जाएगा, ई वॉलेट वॉलेट सब कुछ बन जाएगा। तुम तो चिंता ही मत करो, तुम तो सीधी जाओ और अपने कोई भी पढ़े लिखे हुए उन्हें साथ ले जाओ। जो अनपढ़ महिला है वो अपने पढ़ा लिखा कोई बालक ने साथ ले जाओ, कैसे भी है ना, आपको मिलेगा। और वहीं पर डीलर से कैंप में खरीद लो मोबाइल, वहीं कैंप में डीलर बैठे रहेंगे, वो डीलर बैठा रहेगा कुर्सी घाल घाल के और मोबाइल धरा रहेगा उनका सारा का सारा। जोन सो अच्छो लागे ऊपर हाथ रख दो, मैं तो या चाहे साहब या ही मिल जाएगा थान, मैं तो या चाहे साहब या ही मिल जाएगा। सिम भी हाथों हाथ मिलेगी, सिम भी उड़े रखी रहेंगी, एयरटेल की लो है ना, BSNL की लो, चाहे और भी जियो की लो, कोई सी भी सिम लो, थारे जचे जुड़सी सिम लो, थारे गांव में थारे घर में जो टावर फुल पकड़े वह सिम ले लो, वही सिम थाने मिल जाएगी और हाथों हाथ चालू कर दी जाएगी और वो मोबाइल में डाल दी जाएगी और फिर फोन थारो चालू हो जाएगा। फोन पे बात भी करो, नेट भी चलाओ, वीडियो कॉल भी करो, सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक। और फिर उस फोन में ये जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि जिस मोबाइल में आपकी सिम को एक्टिव कर दिया जाएगा उस सिम को दूसरे मोबाइल में नहीं चला सकते आप, क्योंकि फिर कई बेरबानी कई महिला ऐसी भी चतरी बन जाए कि एकी सिम ने निकाल के दूसरा फोन में डाल लिया और फ्री में चलावा नेट, फ्री में चलावा बातचीत, फ्री में कर लिया। ऐसा नहीं है, उसकी सिम उसी फोन में चलेगी, ये बात ध्यान रखना। और वो फोन है बहुत काम का है जो तुम्हें मिलेगा। उस फोन से क्या क्या फायदा है, जितने भी तुम्हारे योजना चल रही राजस्थान में, जो राजस्थान सरकार योजना चलावे वह सारा का सारा ऐप उनमें मिलेगा थान, है ना। जैसे किसान कर्ज माफ होगो, बिल माफ होगो, पेंशन की कोई भी आ रही है सूचना सारी सारी मिलेगी, जन सूचना पोर्टल को ऐप मिलेगो, जन संचार को ऐप मिलेगो, सारा थन ऐप मिलेगा उमे तुम किसान भाइयों के लिए उमे खेती बाड़ी से संबंधित योजना मिलेगी, भाव मंडियों को भाव भी मिल जाएगा थन उमे कि भाई सरसों के भाव चल रही से, गेहूं के भाव चल रहा थी, लुटरों का कोना थे, लुट जाओ तो थे जा जा के उड़े भाव में लुट जाओ भैया, लुट जाओ फिर थाने लुटनो ही कौन पड़ेगा, सब कुछ सरकार सुविधा दे देगी, थाने पतो चल जाएगा फोन में, हाँ भाई ये चीज इतनो ये चीज है, ये सिस्टम है सारा सारा, ठीक है ना। के योजना चल रही है राशन में, के योजना चल रही है, कुछ फ्री बट रहा है वो योजना बता दी जाएगी, बिजली वाली कोई फ्री सिस्टम है वो बता दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति की योजनाएं आती रहती है वो पता चल जाएंगी तुम्हें, स्कूटी योजना हुई और भी योजना है राजस्थान की सारी पतो चल जाएंगी, वो मोबाइल में ऐप आएगा, वो ऑटोमेटिक ही रहेंगे ऐप, उसमें आप दबाते ही आपको सारी जानकारी मिल जाया करेगी। तो ये बहुत ही कामयाब रहेंगे फोन आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और चिरंजीवी कार्ड ये लेकर जाना है। चिरंजीवी कार्ड यदि नहीं बना है ना तुम्हारा चिरंजीवी कार्ड, तो इमित्र पे जाओ, सीधो उन्हें दिखाओ जन आधार कार्ड, BPL कार्ड है तो राशन कार्ड वाले लेकर जाओ, इमित्र वाला ने बताओ सब मारो जन आधार कार्ड लो या BPL कार्ड लो और मारो चिरंजीवी कार्ड दो, वे अपने आप चेक करके थन दे देगा, नंबर उमर बता देगा, सारो काम करके दे देगा, पन्नो निकाल के दे देगा और थन जानो सीधो कैंप में, कैंप वाला भी अपना आप करेगा सारो काम, थन कोई चिंता को ना, थे तो जाके अपना कागज पत्र ले जाओ और कैंप में चला जाओ और EKYC हो जाएगी उड़े सब कुछ काम। जिन लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है, भाई जो बच्ची 9वीं में पढ़ रही है तो 9वीं में पढ़ रही है तो इनकी उम्र होगी कम से कम 14 साल 15 साल, बस
ऐसे ज्यादा हो ना सके। तो 18 साल से कम जो भी लड़की है वो साथ में अपने परिवार की मुखिया ने लेके जाए, या दादी हो या उनकी माँ हो, उसको साथ लेके जाए और उनको आधार कार्ड भी लेके जाए। जैसे तुम्हारी माँ है मुखिया, तो तुम्हारी मम्मी को आधार कार्ड भी लेके जाओ और मम्मी ने भी साथ लेके जाओ, ठीक। हाँ बिल्कुल। और फिर क्या होगा, फिर आपका जो जन आधार है उस मोबाइल नंबर से लिंक है, उस मोबाइल को भी साथ लेके जाओ। भाई थारो जो जन आधार कार्ड है वो कौन सा मोबाइल नंबर से लिंक करवा रखा, वो मोबाइल नंबर ने साथ लेके जाओ, मोबाइल ने साथ लेके जाओ, ऊपर मैसेज आओगे और मैसेज आओगे तभी वे EKYC वगैरह सब कुछ कर पाएंगा। कौन? शिविर में जो बैठे हैं कैंडिडेट वो, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपको मोबाइल मिल जाएगा। तो यह संपूर्ण जानकारी एकदम सरल भाषा में और एकदम आसान भाषा में मैं समझायो, थाने सब कुछ समझ में आयो। तो वीडियो ने करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।